क्लास 12 हिंदी के मात्र इन 5 जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, आपको 10 में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के 5 ऐसे जीवन परिचय को बताऊंगा, यानी कि जो कवि और लेखकों का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, 5 ऐसे साहित्यिक परिचय को बताऊंगा। अगर आप इन 5 साहित्यिक परिचय को पढ़कर जाएंगे तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप 12th में हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारे 12th के पेपर में 5 नंबर का हिंदी साहित्य का जीवन परिचय और 5 नंबर का हिंदी जो आपका पद्य साहित्य है, ठीक है, हिंदी पद्य है, उसमें से जीवन परिचय आता है, यानी कि टोटल 10 नंबर के जीवन परिचय आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको किस लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़कर जाना है और किस कवि का साहित्यिक परिचय पढ़कर जाना है, ठीक है। अगर आप इन 5 जीवन परिचय को पढ़कर जाएंगे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय लिखना कैसे, कैसे हेडिंग डालना है, कैसे हमें साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि वो जीवन परिचय कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है हमारे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो जीवन परिचय है ये हमारे हिंदी गद्य का है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है। इनका जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा, जीवन परिचय का मतलब साहित्यिक परिचय, ठीक है, 12th वालों के लिए। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इनका जीवन परिचय आपको पढ़कर जाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको बिना पढ़े आप नहीं जाइएगा बोर्ड परीक्षा देने। दूसरा देखिए हमारा क्या है, हिंदी गद्य से ही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, इनका भी आपको साहित्यिक परिचय पढ़कर जाना है, ये VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनका भी आप लोगों को जीवन परिचय पढ़कर जाना है, ठीक है। आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, कैसे हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे, कृतियां कैसे लिखेंगे, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लिया आपने, अब हिंदी गद्य जो आपका है उसमें ये दो मैंने बताया, क्योंकि 3 आएगा आपको एक ही करना होगा, तो हिंदी गद्य का 5 नंबर का आएगा। अब देखते हैं हिंदी पद्य जो हमारा है, ठीक है, हिंदी पद्य में कौन कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा, यानी कि हिंदी पद्य का पहला और हमारा तीसरा जीवन परिचय जो इंपॉर्टेंट है वो है महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है, ठीक है, कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये VVIP है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर, जो हमारा इस चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर है पवन दूती का, उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी, ठीक है, इनका जीवन परिचय भी VVI है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनके भी आपको साहित्यिक परिचय को पढ़कर जाना है, ठीक है। अब 5 नंबर हम देखते हैं क्या है, 5वां नंबर हमारा है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, इसी में हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जो श्रद्धा मनु है, ठीक है, चैप्टर, तो जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को आपको पढ़कर जाना। तो 5 जीवन परिचय मैंने आपको बताया, सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद में हमारे महादेवी वर्मा जी, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम और जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इन 5ों का जीवन परिचय आपको पढ़कर जाना है अगर आपको 10 नंबर क्लियर करना है। इसके बाद आप जो जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 5ों को पढ़ने के बाद ही, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जीवन परिचय आखिर हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में जब आप जीवन परिचय लिखे तो ऊपर डाल दीजिए प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है, फिर जिसका जीवन परिचय आपको लिखना है उनका हेडिंग डालना, जैसे मैंने मुझे यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का लिखना है तो हम महादेवी वर्मा जी का हेडिंग मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जीवन परिचय साहित्यिक परिचय कृतियां, तो देखिए आपको डायरेक्टली साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको उनके जीवन के बारे में लिखना है, यानी कि जीवन परिचय एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक छोटा सा जीवन परिचय आपको डालना है, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, इतना लिखना तो जरूरी है। और साहित्यिक परिचय में हम इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को लिखते हैं, तो देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, भले ही साहित्यिक परिचय भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आपको देखना है, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म फरुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था, ठीक है, यानी कि महादेवी वर्मा जी का जन्म फरुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। देखिए इनके पिता श्री गोविंद
प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, यानी कि जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा, वो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, यानी कि माता जी जो है एक धार्मिक महिला थी, विदुषी थी। विदुषी का मतलब जैसे हम लोग उसमें बोलते हैं विद्वान, ठीक है, तो इस महिलाओं को बोलते हैं विदुषी। एवं जो इनके नाना जी थे वो ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा शिक्षित परिवार था इनका जहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया और आखिर वो दुखद दिन आ ही गया, ठीक है, कि 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, ठीक है, यानी कि 80 साल की उम्र में लगभग इनका स्वर्गवास हो गया था, ठीक है। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है थोड़ा सा। आप देखिए लिखेंगे हम साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखेंगे, इन्हें कौन कौन सा साहित्य की तरफ से, हिंदी साहित्य की तरफ से कौन कौन से सम्मान मिले, ठीक है, क्या क्या मिला, इनकी रुचि कहाँ थी, साहित्य में इनका स्थान कैसा। तो देखिए महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। साहित्यिक परिचय का मतलब ये साहित्य में और किन चीजों में रुचि रखती थी, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी, इनका इंटरेस्ट आर्ट में भी था। देखिए इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, यानी कि इनकी जो हिंदी साहित्य में योगदान है, ठीक है, उसके लिए जो इन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं की उसके लिए जो भारत सरकार है उनके द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। और भी इन्हें कुछ इनाम मिले, कुछ इनको पुरस्कार मिले, इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि इनकी एक रचना है यामा, ठीक है, उस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, यानी कि इनको आधुनिक युग की मीरा भी हम कहते हैं। इनको अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप महादेवी वर्मा जी आपको टिक करना है, ठीक है। ये हिंदी साहित्य में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, जो इनके काव्य है उसमें वेदना की प्रधानता है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय इतना आपको लिखना है। फिर लिखना है कृतियां, ठीक है, इनकी रचनाएं क्या क्या है। तो देखिए महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है, यानी कि कई तरह की इन्होंने रचनाएं की, काव्य में की, गद्य रचनाएं की, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे छोटा सा काव्य की, इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, यामा, ठीक है, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं जिनमें यामा सबसे फेमस रचना है, ठीक है। गद्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है, ये तीनों रचनाएं इनकी गद्य रचनाएं हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो गद्य रचनाएं, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यामा किसकी रचना है बहुविकल्पी प्रश्नों में, तो आपको महादेवी वर्मा जी, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग इनकी रचनाएं पहले याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। दीपशिखा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की। अब एक छोटा सा हेडिंग डालना है साहित्य में स्थान, इसमें आपको लिखना है कुछ इनके स्थान के बारे में। निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं, इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अतिपुष्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो महादेवी वर्मा जी है वो वर्तमान हिंदी कविता के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। थोड़ा सा इनका साहित्य में स्थान लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ठीक है। एक का तो मैंने बता दिया, और भी किसी लेखक या कवि का चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप इन पांच जीवन परिचय को पढ़ लेंगे जिस प्रकार से मैंने बताया, अगर आप उस प्रकार से लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, यानी कि 10 में 10 नंबर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।